ग्राउंड जीरो से आप रिपोर्ट देख रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। पंकज झा महाराज बालकनाथ जी से इस वक्त बात कर रहे हैं गोरखपुर में। सीधे चलते और सुन लेते हैं। उस भाव से मैंने मानता हूं कि पार्टी ने अच्छा निर्णय लिया है और गोरखपुर की जनता भी चाहती है कि योगी जी हमारे साथ रहें और हम ही योगी जी को चुनकर ऐतिहासिक रूप से यूपी के इस चुनाव के कार्यक्रम के बाद में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठाएं। बहुत धन्यवाद बालकनाथ जी। तो जैसा इस बार ना उनके नामांकन के लिए भी ना नाथ संप्रदाय के ये भी बालकनाथ जी हैं जो कि बीजेपी के सांसद भी हैं, योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। देश भर में नाथ संप्रदाय के लोग फैले हुए हैं। आपको पता ही होगा कि कैसे कर्नाटक में नाथ संप्रदाय के लोग हैं, त्रिपुरा में भी हैं। वहाँ बीजेपी ने योगी को स्टार प्रचारक बनाकर भेजा था और उसको लेकर भी ये कहा जाता है कि देश भर के नाथ संप्रदाय के लोग योगी के कारण बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन वेद के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, गोरखपुर। तो हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं संजय का, संजय त्रिपाठी, जो कि वो भी ग्राउंड जीरो पर ही हैं और संजय लगातार दिलचस्प तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से उनका रुक करते हैं। संजय, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, मेरे पास तस्वीरें हैं दिखाने के लिए। ये देखिए, बनतानिया का एक और समूह यहाँ पर आया हुआ है और अपने शरीर पर अशोक के तेल की पत्तियां बांध करके आए हुए हैं, नृत्य कर रहे हैं, चेहरे रंगे पुते हैं और साफ तौर पर देखिए ये उत्सव, ये जो माहौल है ये योगी आदित्यनाथ के लिए है। ये उत्साह जो इनके चेहरों पर दिख रहा है, करीब पौन घंटा होने को और इनके कदम थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लगातार थिरक रहे हैं, कमर में घुंघरू बांधे हुए हैं, शरीर पर पत्ते लपेटे हुए हैं। वनटांगिया वो जनजाति है जिनके उद्धार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई सराहनीय कार्य किए और ऐसे में आज ये उत्सव, ये उमंग जायज है, बनती है, क्योंकि आज जो पहचान मिली है इनको उसके पीछे कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भरपूर योगदान है, उनका कार्य है। और ये देखिए वो तस्वीरें हैं, ये उत्साह है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नामांकन के ठीक पहले की है, एयरपोर्ट के बाहर की है, जहाँ पर अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान को रिसीव करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए हुए हैं। अभी थोड़ी ही देर बाद, कुछ ही क्षणों बाद वो बाहर निकलेंगे और सीधे सभा स्थल की ओर रवाना होंगे। लेकिन ये उत्सव लगातार जारी है, उत्सव उत्साह में तब्दील हो रहा है। लोग नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि योगी न केवल सूबे के मुख्यमंत्री हैं बल्कि 5 बार के लोकसभा के सांसद हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश में योगी और खासकर गोरखपुर के लिए। तो ऐसे में ये उत्साह, ये नृत्य, ये तस्वीरें लगातार जारी है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा फिर से तस्वीरें दिखाएं। कई सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं और अब कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि मैं उस तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा जहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है और अब उनका काफिला यहाँ से निकलेगा और सीधे रवाना होगा महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के उस ग्राउंड पर जहाँ उनकी बड़ी रैली, बिल्कुल बड़ी रैली होनी है और नामांकन से पहले उस रैली स्थल पर भी चलेंगे। संजय त्रिपाठी, आप हमारे साथ बने रहिए। ABP News, आपको रखे आगे।